प्रश्नावली 13.2 की प्रश्न संख्या 2 है। निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल करके घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। पहला पार्ट है 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 4 गुणा 4 बटे 3 गुणा 32। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 4, 4 को लिख सकते हैं 2 की घात 2 में, बटे 3 गुणा 32 को हम ले सकते हैं 2 की घात 5, क्योंकि हमने यहाँ पर सभी को 2 और 3 की घात में बदल दिया है। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा ऊपर 2 की घात 3 और 2 की घात 2, आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, 3 और 2 5 गुणा 3 की घात 4 बटे है 3 गुणा 2 की घात 5। आगे हल करेंगे इसको, ऊपर लेके आएंगे 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 4, 3 ऊपर आएगा, घात हो जाएगी 1 से घटा 1, 2 की 5 ऊपर आएगा, घात हो जाएगी 2 की घात घटा 5। जब भी कोई संख्या घातांकी संख्या वो नीचे से ऊपर आएगी तो उसका जो घातांक का जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है, जमा है तो घटा हो जाएगा और घटा है तो जमा हो जाएगा। इसको हल करने पर ये हमारे पास आएगा 2 की घात 5 और 2 की घात -5, आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, 5 और घटा 5 को हम जोड़ देंगे, गुणा यहाँ पर दोनों का आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, 3 की घात 4 जमा घटा 1 यानी 4 घटा 1, ये हो जाएगा 2 की घात 0 गुणा 3 की घात 3। अब 2 की घात 0 किसी भी चर की घात या चर की घात 0 किसी भी संख्या की घात 0 क्या होता है, 1। तो 1 गुणा 3 की घात 3 बराबर 3 की घात 3, ये आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट है 5 की घात 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 4, और इस सारे के भाग में है 5 की घात 7। तो पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, ये 5 की घात के ऊपर घात है तो घात के आपस में गुणा हो जाएगी, 2 गुणा 3 6 गुणा 5 की घात 4 गुणा भाग में है 5 की घात 7, ये हमारे पास हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर है, उनका आधार एक समान है, घातांक अलग अलग हैं, दोनों आपस में गुणा है तो आपस की जो घातांक है वो जुड़ जाएंगी, 6 जमा 4 और भाग में है 5 की घात 7, ये हो जाएगा हमारे पास 5 की घात 10 भाग 5 की घात 7। यहाँ पर दोनों का घातांक समान नहीं है लेकिन आधार समान है, दोनों आपस में भाग हैं, तो घातांक के नियम से ये हमारे पास हो जाएगा 5 की घात 10 घटा 7, भाग में है तो घट जाएगा और गुणा में है तो जुड़ जाएगा, 5 की घात 3, ये आंसर होगा। तीसरा पार्ट है 25 की घात 4 भाग 5 की घात 3। 25 को हम लिखेंगे 5 की घात में 5 की घात 2 और इसकी घात हो जाएगी 4, तो हमने 25 को लिख दिया 5 की घात 2, भाग है 5 की घात 3। अब घात के ऊपर घात आपस में गुणा हो जाएगी, 2 गुणा 4 8, 5 की घात 3। अब घातांक के नियम से यहाँ पर दोनों भाग में और दोनों का आधार समान है तो हम लिख सकते हैं 5 की घात, घातें घट जाएंगी, 8 घटा 3, 5 की घात 5। चौथा पार्ट है 3 गुणा 7 की घात 2 गुणा 11 की घात 8 बटे 21 गुणा 11 की घात 3। 3 गुणा 7 की घात 2, इसको हम ऐसे कैसा रखेंगे, नीचे 21 को हम लिख लेंगे 3 गुणा 7 और 11 की घात 3। अब यहाँ हम सीधा 3 से 3 को काट भी सकते हैं, ये हमारे पास 7 की घात 2 गुणा 11 की घात 8 बटे 7 गुणा 11 की घात 3। हम 7 को और 11 की घात 3 को ऊपर ले जा सकते हैं, इनके जो घातांक है उनके निशान बदल जाएंगे, या फिर ऐसे कर सकते हैं 7 की 2 बटे 7 गुणा 11 की घात 8 बटे 11 की घात 3।
यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा, दोनों का आधार समान है भाग में, तो घाते घट जाएंगी, 7 की घात 2 घटा 1 गुणा, यहाँ पर भी दोनों के आधार समान हैं और आपस में भाग हैं, तो 11 की घात हो जाएगी, 8 में से गया 3, घातांक घट जाएंगे, 8 घटा 3, ये होगा 7 की घात 1 गुणा 11 की घात 5, 7 गुणा 11 की घात 5, ये हो जाएगा। अगला पार्ट है 3 की घात 7 बटे 3 की घात 4 गुणा 3 की घात 3। यहाँ पर हमारे पास ऊपर है 3 की घात 7, नीचे दोनों का आधार समान है, घातांक अलग अलग है और आपस में गुणा है, तो घातांक के नियम से इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 4 जमा 3, तो 3 की घात 7 बटे 3 की घात 7, ऊपर नीचे एक समान है तो ये आ जाएगा 1। छठा पार्ट है 2 की घात 0 जमा 3 की घात 0 जमा 4 की घात 0। किसी भी पूर्णांक की घात 0 होती है वो 1 होती है, तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा हमारे पास 1 और ये भी 1, तो ये आ जाएगा 3, क्योंकि किसी भी पूर्णांक की घात 0 बराबर होती है 1। सातवां पार्ट है 2 की घात 0 गुणा 3 की घात 0 गुणा 4 की घात 0, तो यहाँ पर पूर्णांक की घात 0 होता है हमारे पास 1 गुणा, ये भी हो जाएगा 1 और ये भी हो जाएगा 1, तो आंसर आएगा 1। आठवां पार्ट है 3 की घात 0 जमा 2 की घात 0 ब्रैकेट बंद गुणा 5 की घात 0, तो यहाँ पर पूर्णांक की घात 0 होता है 1 जमा, ये भी हमारे पास हो जाएगा 1 गुणा, 5 की घात 0 भी होगा 1, 1 जमा 1 2 गुणा 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। नौवां पार्ट है 2 की घात 8 गुणा 1 की घात 5 बटे 4 की घात 3 गुणा 1 की घात 3, तो यहाँ पर हमारे पास ऊपर 2 और a है, यहाँ पर 4 और a है, तो 4 को भी हम 2 के आधार में बदल देंगे, तो ये हो जाएगा 2 की घात 8 गुणा 1 की घात 5 बटे 4 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2, और इसकी घात थी हमारे पास 3 गुणा 1 की घात 3, ये हो जाएगा 2 की घात 8 बटे, इसको हम अलग कर लेते हैं, 2 की घात, घात के ऊपर घात है तो गुणा हो जाएगी, 6 गुणा 1 की घात 5 और बटे है 1 की घात 3, इनको हमने अलग अलग कर लिया, यहाँ पर ये हमारे पास हो जाएगा 2 की घात 8 घटा 6, ये आएगा 1 की घात 5 घटा 3, घातांक के नियम से, क्योंकि तो दोनों का आधार समान है और आपस में भाग है, ये हो जाएगा 2 की घात 2 गुणा 1 की घात 2, इसको हम आगे ले सकते हैं 2 1 की घात 2। दसवां भाग है 1 की 5 बटे 1 की 3 गुणा 1 की 8, तो इसको हम लिखेंगे, ब्रैकेट को अलग करेंगे पहले, ये हो जाएगा 1 की घात 5 घटा 3, क्योंकि आधार समान है और आपस में भाग है तो घातांक घट जाएंगे, गुणा 1 की घात 8, ये हमारे पास हो जाएगा 1 की घात 2 गुणा 1 की घात 8, दोनों का आधार समान है तो घातांक आपस में जुड़ जाएंगे घातांक के नियम से, 2 जमा 8, 1 की घात हो जाएगी 10। ग्यारहवां पार्ट है 4 की घात 5 गुणा 1 की घात 8 गुणा b की घात 3 बटे 4 की घात 5 गुणा 1 की घात 5 b की घात 2, इनको अलग अलग करेंगे, 4 की घात 5 बटे 4 की घात 5 गुणा 1 की घात 8 बटे 1 की घात 5 गुणा b की घात 3 बटे b की घात 2, यहाँ से ये तो 1 आ जाएगा, ऊपर नीचे समान है, ये हो जाएगा हमारे पास 1 की घात घट जाएगी 8 घटा 5 3,
गुणा, यहाँ पर बी की घात भी घट जाएगी, 3 घटा 2 1, तो ये आएगा बी गुणा ए की घात 3। लास्ट पार्ट है 2 की 3 गुणा 2 की 2। लास्ट पार्ट है 2 की 3 गुणा 2 और पूरे की घात 2। तो यहाँ पर पहले अंदर इस ब्रैकेट को हल करेंगे, 2 की घात, यहाँ पर आपस में दोनों का आधार समान है और गुणा में है तो घातें जुड़ जाएंगी। यहाँ पर 2 की घात 1 मानेंगे, 2 की घात 3 जमा 1 और इस सारे की घात है 2, ये हो जाएगा 2 की घात 3 और 1 4, पूरे की घात 2, घात के ऊपर घात, घातों के आपस में गुणा, 2 की घात 4 गुणा 2, ये हो जाएगा 2 की घात 8। तो यही हमारा आंसर होगा।